हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग पाइप एंड सिस्टम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। गाइस, टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद हम लोगों ने उससे रिलेट करते हुए बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक को ख़त्म किया था। टाइम स्पीड ड्रेन डिस्टेंस में ही हम लोगों ने ट्रेन का भी टॉपिक लिया था। अब गाइस, टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक और लेक्चर आपको मिलेगा। इसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी टॉपिक कवर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग टाइम एंड वर्क के बाद जो टॉपिक कवर होना था, दैट इज़ पाइप एंड सिस्टम, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैक्सिमम दो लेक्चर्स ही मिलेंगे। आज के लेक्चर में मैं मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को कवर करूंगा और कल उस पर कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लेकर के इसको भी फिनिश करूंगा, सो दैट ये भी टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। देन हम लोग प्योर अरिथमेटिक के जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं, दैट इज परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, उन पे हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क करना। सो आज हम लोग पाइप एंड सिस्टम पढ़ रहे हैं। गाइज, इससे पहले अगर आपने टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड डिस्टेंस इन टॉपिक्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार इनको देख लीजिए, सो दैट हम लोग आगे यहाँ पर जब पढ़े तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो टाइम एंड वर्क के ही हैं। सेम कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर अप्लाई होंगे, कुछ एक आध जगहों पर थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि मैं यहाँ पर आपको आसानी से समझा दूंगा कैसे उनको अप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन ही आप देखिए क्या कह रहा है कि तीन नल हैं ए, बी और सी, एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तीन नलों के बारे में कहा गया है। सेम आपके लिए क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का कि तीन लोग हैं जो किसी काम को 12, 15 और 20 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि नल ए पूरे समय खुला रहे, यानी कि ए जो है वो हर दिन वर्क कर रहा है, पर डे पूरे टाइम वर्क कर रहा है, ए तो पूरे टाइम प्रेजेंट है। ठीक है, बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, यानी कि पहले घंटे में अगर बी उसकी हेल्प करता है तो दूसरे घंटे में उसकी हेल्प सी करता है। तो कुछ इस तरह से हो रहा है, ये फर्स्ट आवर है, ये सेकेंड आवर है, इसी तरह से फिर से थर्ड आवर में ए के साथ बी हेल्प करने आ जाता है और फिर अगले आवर में सी हेल्प करने आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था आपको क्या करना है, आपको इस पेयर एक बना लेना है एंड देन वर्क करना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप टोटल एलसीएम ले लेंगे कि कितना वर्क होना है। टोटल वर्क मैं मान लूँ कितना होगा, तो देखिए इजीली 60 वर्क मान लूंगा। तो ए पर आवर कितना वर्क करता है, 12 पंचे 60, 5 यूनिट। बी कितना वर्क करता है, 15 चौको 60, और सी कितना करता है, 20 तिया 60। ठीक है, तो पर आवर आपने निकाल लिया कि ए वर्क करता है 5 यूनिट का, बी करता है 4 यूनिट का, सी करता है 3 यूनिट का। तो पहले घंटे में जब ए को मदद करता है बी, तो कितना वर्क हो जाता है, 5 और 4 9। तो ए और बी मिलकर पहले घंटे में करते हैं 9 यूनिट वर्क, और दूसरे घंटे में ए और सी मिलकर के कितना करते हैं, 8 यूनिट वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो गया है, 9 और 9 18 और 1 कम 17। ठीक है, तो 17 वर्क हर 2 घंटे में कितना वर्क हो जा रहा है, एवरी 2 आवर में 17 यूनिट वर्क हो रहा है, और आपको वर्क कितना करना है, 60। ठीक है, तो 60 को आप 17 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना कंप्लीट चला जाएगा, 17 34 17 51। ठीक है, तो तीन बार ऐसे पेयर्स आपके बनेंगे। ठीक है, तो तीन बार ऐसे पेयर आपके बन रहे हैं, तो तीन से इधर भी मल्टीप्लाई होगा और तीन से इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ गया कि 6 आवर्स में। ठीक है, देखिए पहले घंटे में कितना, 9, दूसरे घंटे में 8, तो आपने निकाला 2 घंटे में कितना वर्क हो रहा है, तो आपने निकाला 2 घंटे में हो रहा है 17 वर्क, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 घंटे में वर्क हो गया 51। ठीक है, अब बारी किसकी आएगी, ए और बी की, तो 6 घंटे में ए और बी, 6 घंटे में 51 वर्क हो गया था और बारी आई ए और बी की, तो अब ये लोग कितना वर्क करते हैं, 9। जैसे ही ये 9 वर्क करेंगे तो देखिए टोटल सम कितना हो जाएगा, 60, जो कि हमारा रिक्वायर्ड वर्क है। तो हमारा जो कंप्लीट क्वेश्चन है कि कितने टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, सीधे ही 7वें घंटे में टंकी कंप्लीटली फिल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में भी देखे थे, तो आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डी व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी अगर पाइप है, मैं मानता हूँ कि कुछ इस तरह से पाइप है, यहाँ से पानी आ रहा है, ये कुछ टैंक आपका है। ठीक है, तो देखिए जब पाइप से पानी आता है तो जो पानी भरता है उसका अमाउंट जो होता है, वो अमाउंट किस चीज़ पे निर्भर करता है उसको समझिए। देखिए अमाउंट निर्भर करता है, अमाउंट या फिर मैं बोलूँ कि कितना वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, पहली चीज़ जो होती है वो होती है कि जो पानी छोड़ा जा रहा है वो किस स्पीड से छोड़ा जा रहा है। ठीक है, स्पीड मैटर करती है, स्पीड में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग जो उसका मुंह है, जो भी ये जहां से पानी निकल रहा है उसका क्या एरिया है। ठीक है, तो स्पीड इनटू एरिया जो होता है वो हम लोग को देता है वॉल्यूम पर सेकंड, कि कितना वॉल्यूम पर सेकंड, या फिर स्पीड अगर मीटर मीटर्स में सॉरी मिनट्स में है तो ये हमें बताता है कितना वॉल्यूम पर मिनट निकल रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम या अमाउंट हम लोगों को मैटर करता है, तो
अमाउंट किस पे निर्भर करता है, पहली चीज स्पीड पे, दूसरी चीज एरिया पे, ठीक है। टोटल वॉल्यूम पे निर्भर करता है, बट टोटल वॉल्यूम आपको यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, वो हम लोग के लिए क्या होता है, स्पीड में से जो मीटर आता है या फिर जो भी किलोमीटर है वहां से हमारा एक एल आता है और बाकी हमारा एरिया, इनका मल्टीप्लीकेशन हमें वॉल्यूम देता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर देखना क्वेश्चन में क्या है कि वेरी क्या कर रहे हैं हम लोग, डी, यानी कि आप डायमीटर को वेरी कर रहे हैं, डी से कितना हो गया 2D, तो वेरी क्या हो रहा है बेसिकली आपका एरिया, ठीक है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन को समझ जाएंगे, 1D व्यास वाले पाइप को, टैंक को खाली करने में कितना मिनट लगता है, 40 मिनट। तो मैंने माना कि अगर डी पाइप है और उसको खाली करने में कितना, 40 मिनट लगता है। तो अब देखिए जब व्यास जो है वो कितना हो गया, 2D हो गया, तो एरिया कितना हो गया होगा, यहाँ पर अगर मैं इसका एरिया लिखूँ तो इसको मैं पाई डी स्क्वायर लिखता हूँ, तो इसका एरिया कितना हो गया होगा, जब व्यास 2D हो गया तो इसका एरिया हो गया होगा 4 टाइम्स पाई डी स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया 4 टाइम्स हो गया तो इसको कितना टाइम लगेगा, मैंने माना टी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा, इसको आप इक्वल कर दीजिए। ये बेसिकली आपने क्या किया, ये आपने स्ट्रेंथ का रेशियो निकाला कि जब यहाँ पर था तो वॉल्यूम कितना, अगर 1 था तो यहाँ पर कितना है, 4 टाइम्स है, जस्ट 4 यूनिट्स है, पाई डी स्क्वायर आप काट दीजिए, तो 1 स्ट्रेंथ पे 40 मिनट्स लगते हैं, तो जब 4 स्ट्रेंथ हो जाएगी तो कितने मिनट्स लगेंगे, जस्ट 4 1/4 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा कि सिर्फ 10 मिनट्स लगेंगे और ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आंसर में गलती क्या होती है कई बार कि हम लोग यहाँ पर डी देखते हैं, यहाँ पर 2D देखते हैं, तो 40 को हम लोग क्या कर देते हैं, 20 में कन्वर्ट कर देते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको करना किस में, एरिया से वर्क होता है, एरिया से डिपेंड करता है आपका जो अमाउंट पानी का निकल रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा तेजी से भरता है, ठीक है। यहाँ पे सीधे से आपको क्या दिया गया है, आपको सीधे से स्ट्रेंथ का रेशियो गिवन है, जैसे कि आपको बोला जाता है कि एक पुरुष है एक महिला है, पुरुष की क्षमता महिला से 2 गुनी है, सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, आपका जो पाइप जिससे भर रहे हैं उसकी क्षमता दी गई है कि दूसरे से कितनी है, 3 गुनी है, यानी कि अगर एक की 1 है तो दूसरे की कितनी है, 3, ठीक है। आपको सीधे से क्षमताएं दे दी गई हैं। अब क्या करें, यदि दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में, तो दोनों पाइप जब एक साथ मिलेंगे तो स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, कितना टाइम लग रहा है, 36 मिनट। तो अब क्या पूछ रहा है, तो धीमी गति से भरने वाला पाइप टैंक को कितने समय में भरेगा, तो धीमी गति से भरता है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 1, टाइम मैंने माना टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3644, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 144 मिनट्स लगेंगे धीमी गति वाले को भरने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है, एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली करता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस यहीं पर आता है आपका, जब आप वर्क पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क, वहां से डिफरेंस आपका पाइप एंड सिस्टम में यहीं पर आता है कि यहाँ पर क्या है आपका, वहां पर भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि कुछ एक एक व्यक्ति डिस्ट्रॉय कर रहा है वर्क को, सेम क्वेश्चन यहाँ पर है कि अगर कुछ नल भर रहा है पानी में तो एक खाली करने वाला नल भी यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है, उसके बारे में बोला गया कि 40 मिनट्स में वो उसको खाली कर सकता है, दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले पाइप से 2 गुना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर इसकी स्ट्रेंथ 1 है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 4, ठीक है। क्यों 4 हो गई, क्योंकि इसका व्यास देखिए कितना है, दूसरे पाइप का व्यास पहले पाइप से 2 गुना है, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। टैंक को खाली करने के लिए जोड़ दिया जाता है, दोनों पाइप एक साथ टैंक को कितने समय में खाली करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले जो पाइप था वो कितने, 40 मिनट में खाली करता था, अब 4 स्ट्रेंथ वाला एक है और उसके साथ एक वाला भी जोड़ दिया गया, तो अब स्ट्रेंथ इनकी कितनी हो गई, 5, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेंथ हो गई 5 और ये मैंने माना टी मिनट्स में खाली करेंगे, तो ये इसको इक्वल कर दूंगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 8 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो पाइप किसी टैंक को पानी से भरने में क्रमशः 15 तथा 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं, ठीक है। दो पाइप हैं, पहला पाइप है और दूसरा पाइप है, दोनों की स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है कि पहले पाइप को अगर 15 घंटे लगते हैं तो दूसरे पाइप को 12 घंटे लगते हैं, ठीक है। तथा एक तीसरा पाइप इस टंकी को क्रमशः 4 घंटे में खाली कर सकता है, तीसरा पाइप जो है वो उसको सिर्फ 4 ही घंटे लगते हैं और वो पूरा खाली कर देता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है और ये कैसा है, निगेटिव पाइप है, ठीक है, ये खाली करता है, बाकी दोनों कैसे हैं, भरने वाले हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है, यदि इन पाइपों को क्रमशः सुबह 8, 9 और 11 बजे खोला जाता है तब टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा। अब देखिए इसमें कई बार ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि अगर टैंक पहले से ही भरा रहा हो या फिर आधा भरा हो रहा हो, तो देखिए अगर पहले से भरा होता तो जो 8 बजे खोला गया है वो क्रमशः बोला जा रहा है कि क्रमशः खोला जा रहा है, तो पहला जो पाइप है वो भरने वाला है तो उसको 8 बजे खोलने का कोई मतलब नहीं होता है। इस वजह से क्या है, पहले से उसको खाली आप मानिए और अब पहले तो आप स्ट्रेंथ निकाल लीजिए, तो देखिए स्ट्रेंथ क्या आएगी, आप
टोटल वर्क मानेंगे 60, तो पहला पर आवर कितना वर्क कर रहा है, 15 चौको 60, ठीक है, 12 पंचे 60, और ये कितना करेगा, ये आएगा कि 15 यूनिट वर्क वो हर घंटे खाली कर देता है, हर एक घंटे में 15 यूनिट खाली कर देता है। तो 8 बजे जब खोला जाता है पहले वाले टैंक को, तो वो एक घंटे में कितना भर पाएगा, 4 भर पाएगा। तो टंकी इनिशियली खाली थी जब 8 बजा था, 9 बजने पर टंकी में 4 यूनिट पानी है, जब 9 बज गया होगा तो दूसरा पाइप भी खुल गया होगा, तो अब वो कितना, दोनों मिलकर के 9 यूनिट भर रहे होंगे, और 2 घंटे में कितना भरेंगे, 18 यूनिट। तो अब कितना हो जाएगा, 11 बजने पर 18 और 4 22 यूनिट पानी उसमें भर गया होगा, ठीक है। अब जब 11 बजा तो 22 यूनिट पानी भर गया। अब देखिए 11 बजने के बाद हर एक घंटे में ये दोनों मिलकर के कितना भर पा रहे हैं, 9 यूनिट, जबकि ये खाली कितना कर रहा है, 15 यूनिट। तो ओवरऑल देखिए क्या हो रहा है, ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो खाली ही हो रहा है, और कितना खाली हो रहा है, 6 यूनिट हर घंटे खाली हो रहा है, ठीक है। -15 है, +9 है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -6, यानी कि 6 यूनिट हर घंटे खाली हो रहा है। तो 6 यूनिट हर घंटे खाली हो रहा है, तो 3 घंटे बाद, 3 घंटे में कितना खाली हो जाएगा, माइनस में 18, तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा। कितना समय कितना हो गया होगा, 3 घंटे बाद यहाँ पे बच जाएगा 2, ठीक है। तो 2 बज गया, और अब कितना बचा है, 4 यूनिट बचा है, और ये 6 हर घंटे खाली करता है, तो कितना, 4/6 घंटे में ये पूरा खाली हो जाएगा। 4/6 को क्या लिख सकता हूँ, 2/3, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिनट्स में आपका आंसर आ जाएगा 20, 20 इंटू 2 40, ठीक है। तो 2:40 में ये टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगी, ठीक है गाइज। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि 2:40 पे ये टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, आधी टंकी भरने के बाद इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन इस तरह का है कि एक आदमी किसी टैंक किसी कार्य को 6 घंटे में कर सकता है, ठीक है, मैं यहाँ पे मान लेता था, और यहाँ पर क्या कहता था कि ऐसे ही अगर 3 और आदमी आ जाए तो कार्य कितनी देर में पूरा होगा। तो मैं क्या कहता था आपसे कि मैन की स्ट्रेंथ आप मान लीजिए 1 है, तो टोटल वर्क आपका कितना आ गया, 6। अब आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, सेम केस यहाँ पर भी बनता है। तो आपने क्या किया कि एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, तो मैंने माना कि एक पाइप है, पाइप की स्ट्रेंथ मान ली 1, तो 6 घंटे में भरता है, तो टोटल वर्क कितना है, 6, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आधी टंकी भरने के बाद, तो आधी टंकी भरने का मतलब कितना है, 3, तो 3 के लिए कितना समय लगेगा, 3 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो 3 घंटे जब हो गए, उसके बाद क्या कर रहा है, इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं। तो देखिए कार्य बचा भी कितना है, 3, और पहले से कितने वर्क कर रहे थे, 1 वर्क कर रहे थे। अब क्या कह रहा है कि इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं, तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल देंगे, तो अब कितने हो गए, टोटल 4 नल इस तरह के हो गए, और उन सभी की स्ट्रेंथ कितनी है, 1। तो पूछ रहा है कितना टाइम, टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो पहले मैंने माना कि टी टाइम लगेगा, तब इतना भर जाएगा, ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर है 3, यहां पर है 4, तो ये कितना आ जाएगा, 3/4, ठीक है। तो बची हुई आधी टंकी को भरने में लगेगा 3/4 आवर, और पहले से कितना लगा हुआ है, 3 आवर्स। तो आपका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा 15 45, 15 चौके 60, 15 3 45, ठीक है। तो 3 आवर्स एंड 45 मिनट्स लगेंगे जब आपका ये टंकी पूरी भर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं। दो पाइपों के बारे में बताया गया, पहला जो है वो 20 मिनट लगाता है, तो दूसरा वाला 30 मिनट में भरते हैं, ठीक है। जब टैंक खाली हो तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। अब टैंक खाली है, इसमें दोनों पाइपों को खोल दिया गया है, कुछ समय पश्चात पहला पाइप बंद कर दिया जाता है, तब टैंक 80-18 मिनट में भर जाता है, ठीक है। पहला पाइप खुलने के कितने समय बाद बंद कर दिया गया, देखिए क्वेश्चन इजी है, क्या कह रहा है, आपको लैंग्वेज थोड़ा सा समझना पड़ेगा। टोटल वर्क पहले मैंने निकाल लिया 60, तो ए पर मिनट कितना वर्क करता है, ये करता है 3 यूनिट, ये करता है 2 यूनिट। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 18 मिनट में दोनों टैंक, दोनों को कुछ भी किसी तरह से यूज किया मैंने, कि टैंक जो है वो 18 मिनट में भर गया, ठीक है, जिसमें कि पहले वाले को कुछ टाइम बाद बंद कर देना है, सिर्फ दूसरा वाला चलता रहे। तो गाइस देखिए इसमें यही पूछ रहा है कि पहले वाले को कितने समय बाद बंद करना है। तो इसमें सबसे आराम से इसको समझने वाली चीज ये है कि जो दूसरा पाइप है वो पूरे 18 मिनट चला है, तो पूरे 18 मिनट में उसने कितना वर्क किया होगा, 2 यूनिट पर मिनट में करता है, तो 18 दुनी 36 यूनिट वर्क उसने किया होगा। तो 36 यूनिट वर्क उसने अगर किया है तो टोटल वर्क है 60, तो बचा कितना, 24 यूनिट वर्क बचा। 24 यूनिट वर्क को वो कौन करेगा, फर्स्ट वाला करेगा, और फर्स्ट वाला पर यूनिट पर मिनट में कितना यूनिट वर्क करता है, 3 यूनिट, ठीक है। तो 3 से आप करेंगे डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा कि 8 मिनट
वो वर्क किया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला पाइप खुलने के कितने समय बाद बंद कर दिया गया? तो पहले पाइप भी स्टार्टिंग से ही खुला था, तो कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया? 8 मिनट बाद उसे बंद किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सेकेंड पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 37.5 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं, यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा? तो पहले पाइप के लिए कहा गया है कितना समय लगता है उसको, 75/2 मिनट का, और दूसरे पाइप को कितना समय लगता है, 45 मिनट का। ठीक है, तो आपको पहले तो वर्क निकाल लीजिए, पर मिनट में कितना वर्क करते हैं, इसका एलसीएम आपका आ जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है, 25 × 3, ये लिखा हुआ है 9 × 5, तो एलसीएम आ जाएगा 25 × 9, तो 25 × 3 है, तो ये पर मिनट कितना वर्क करता है, 3, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 × 6, और ये कितना करता है, 9 और 5 है, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि टोटल आधे घंटे में वर्क हो जाए और बंद किसको करना है, बी को। ठीक है, तो यानी कि जो पहला वाला है वो पूरे टाइम खुला रहेगा, वो पर यूनिट वर्क करता है 6, तो 6 मिनट, 6 यूनिट वर्क करता है वो हर एक मिनट में, और 30 मिनट खुला रहा है तो कितना वर्क करेगा, 180। टोटल वर्क कितना है, 25 × 9 = 225, तो उसमें से 180 आप घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, तो 45 यूनिट वर्क जो है वो बचा है, तो ये कौन करेगा, ये करेगा बी। बी पर मिनट में कितना वर्क करता है, 5, तो 5 से आप कर दीजिए डिवाइड, ये कितना आ जाएगा, 9। 9 मिनट्स तक बी खुला रहा है, देन बी को बंद कर दिया गया है, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि बी को कितने समय बाद बंद करना होगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, लास्ट पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस कि टंकी की तली में छेद होने के कारण एक नल किसी टंकी को भरने में 36 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है। ठीक है, देखिए अतिरिक्त समय है यहाँ पर, यहाँ पर समय नहीं दिया गया है, उसकी वजह से उसने क्या उल्टा कहा गया कि अतिरिक्त समय, एक्स्ट्रा टाइम जो लग रहा है, यानी कि अगर उसको पहले कुछ ए लगना था तो अभी अगर बी लग रहा है, तो ए माइनस बी ये टाइम दिया गया है, ये कितना है, 36 आवर्स का टाइम दिया गया। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि जबकि छेद की क्षमता नल से आधी है, तो इसको ऐसे मान लीजिए कि अगर नल की क्षमता कितनी है, 2 है, तो छेद की क्षमता कितनी है, 1 है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि सिर्फ अगर इसको अकेले भरना होता तो इसको कितना टाइम लगता, 1 का, और इसको अकेले कितना टाइम लगता, 2 का। ठीक है, तो स्ट्रेंथ का वैसे तो रेशियो डायरेक्टली स्ट्रेंथ का ही रेशियो गिवन है कि यहाँ पर 2 है तो इसकी 1 है, तो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, तो नल द्वारा टंकी को भरने का सही समय कितना है। अब देखिए असल में वो पूछ रहा है कि इसकी वजह से जो टाइम लगना चाहिए, जो 1 है, वो पूछ रहा है कितना है, और ये छेद है तो ये क्या कर रहा है, खाली है, निगेटिव है। तो देखिए जब दोनों एक साथ वर्क करेंगे तो स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, 1 स्ट्रेंथ हो जाएगी, तो जितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, जस्ट उसका दुगना टाइम लगेगा। देखिए अगर यहाँ पे मैं मानूँ कि 2 स्ट्रेंथ वाले को 36 मिनट लगते हैं, 36 मिनट क्यों, 36 घंटे क्यों लगते हैं, क्योंकि अब स्ट्रेंथ कितनी हो जानी है, 1, क्योंकि -1 हो गई, तो स्ट्रेंथ अब कितनी हो गई, 1 बची, तो 1 को कितना लगेगा, 36 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। क्यों 36 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, जब 2 स्ट्रेंथ वाला कोई काम को 36 घंटे में कर रहा है, तो 1 स्ट्रेंथ वाला कितने में करेगा, 72 घंटे में, तो 72 घंटे में करेगा, तो एक्स्ट्रा कितना टाइम लगा, 36 घंटे का टाइम लगा, यानी कि जितना टाइम एक्स्ट्रा लगा है वही उसका एक्चुअल टाइम भी होगा। तो नल द्वारा टंकी को भरने का सही समय भी कितना होगा, वो भी 36 घंटे ही होगा। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए कि आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, जो नल है उससे आधी है, तो मैंने माना 1 है, तो नल की स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 2। ठीक है, नल की दुगनी हो गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है वो कितना है, 36 घंटे का, तो मैंने माना कि एक्स्ट्रा टाइम पहले तो समझे कि कितना लगेगा, तो मैंने माना कि अगर इसको 2 स्ट्रेंथ के साथ कुछ भरने में अगर एक्स टाइम लगता, तो अब स्ट्रेंथ कितनी हो जानी है, 2 में से, यहां पर बी की स्ट्रेंथ -1 है क्योंकि वो खाली करने वाला है, तो स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 1, तो 1 में कितना टाइम लगेगा, जस्ट इसका दुगना टाइम लगेगा, क्योंकि यहां पर 2 स्ट्रेंथ है, तो टाइम एक्स है, तो यहां पे स्ट्रेंथ 1 हो गई, तो टाइम कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो देखिए एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा है, एक्स से 2x हो गया, तो टाइम कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, एक्स ही टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, तो उस एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 36 आवर्स, और आपसे पूछ भी किसकी रहा है, एक्स की ही वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि उसको एक्चुअल टाइम कितना लगता है, जब उसकी स्ट्रेंथ 2 है तो एक्चुअल टाइम भी कितना लगता है, 36 घंटे का ही टाइम एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भरते हैं। ठीक है, ए और बी के बारे में बता रहा है कि ए को अगर 20 मिनट लगता है तो बी को लगता है 24 मिनट, और तीसरा पाइप सी टंकी को 3 गैलन पर मिनट। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 गैलन पर मिनट के हिसाब से वो इसको खाली करता है। ठीक है, तो इसको जब भी आप इस तरह से देखिए कि जब भी आपको वॉल्यूम पर मिनट ये वैल्यू दी जाए किसी भी टैंक के लिए,
पाइप के लिए, तो आप समझ जाइए कि क्वेश्चन में पूछा जाएगा टैंक की क्षमता। कभी भी ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, हमेशा टैंक की क्षमता पूछी जाएगी। इसको करने का मैं बहुत ही ईजी मेथड आपको बता दूंगा। इसको अगर आप इस तरह से करेंगे तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा, इजिली आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको जिस भी पाइप के बारे में बताया जाए कि उसकी वॉल्यूम पर मिनट ये वैल्यू आपको गिवेन हो, इसको आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये आपको नहीं गिवेन है, और पूछा ये जा रहा है कि सी अकेले इस पाइप को कितनी देर में भर सकता है या फिर खाली कर सकता है। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में खाली करने का है, तो आप ये मान लीजिए कि सी के बारे में नहीं बताया गया और आपको निकालना है कि सी कितनी देर में इसको खाली कर देगा। तो देखिए, तीनों के बारे में कहा गया है कि ए, बी और सी अगर एक साथ खोल दिया जाते हैं तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। ठीक है, तो टैंक 15 मिनट में भरता है, ए भरता है उसको 20 मिनट में, बी भरता है 24 मिनट में, तो बताना है सी कितनी देर में उसको खाली करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको पहले एलसीएम लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये कितना लिखा हुआ है, 8 × 3, यहाँ पर है 5 × 4, यहाँ पे 5 × 3, तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 5, 8 और 3। ठीक है, ये एलसीएम आ गया। तो ए पर आवर कितना वर्क कर रहा था, पर मिनट कितना वर्क कर रहा है, ये वर्क करता है 5 और 4 है तो 6 वर्क करता है। ठीक है, बी कितना वर्क करता है, डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 5 वर्क करता है, जबकि तीनों मिलकर के कितना वर्क करते हैं, 5 और 3 8। अब देखिए ये दोनों मिलकर के कितना वर्क कर रहे हैं, 11, जबकि टोटल वर्क हो कितना रहा है, पॉजिटिव वे में वर्क हो रहा है 8। तो यानी कि सी कितना वर्क कर रहा होगा, निगेटिव वर्क कर रहा होगा 3 का। ठीक है, 3 का निगेटिव वर्क कर रहा होगा, तभी 11 में से 3 घट के 8 हो जा रहा है। तो सी की आपने निकाला कि पर आवर ये कितना वर्क करता है, 3 यूनिट, तो टोटल वर्क को वो यानी कि टोटल टंकी को कितनी देर में खाली करेगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 8 मन 40 मिनट लगेंगे सी को टंकी को खाली करने में। और सी की क्षमता आपको दी है कि कितनी तेजी से उससे पानी निकल रहा है, 3 गैलन पर मिनट, और उसको लगते 40 मिनट खाली करने में। तो इतनी ही तेजी से अगर वो भरता तो कितना, 40 मिनट में भरता वो 3 गैलन पर मिनट, तो ये कितना, 120 गैलन भर देता। तो इतना ही तो वो खाली भी करता होगा, यानी कि आपसे कहा जाए कि कोई इतनी देर में खाली करता है तो उतनी ही देर में वो भर भी सकता है। ठीक है, तो 120 गैलन आपका आया, यही आपका आंसर हो जाएगा कि टैंक की क्षमता कितनी है, 120 गैलन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है आपको क्वेश्चन में, जिस भी आपको पाइप के बारे में ये बताया जाए कि वो गैलन पर मिनट ये उसकी स्पीड है, ये उसकी कैपेसिटी है भरने की या खाली करने की, आप उसको मान लीजिए कि उसके बारे में आपको नहीं पता है और उसके लिए आपको टाइम निकालना है। जैसे ही आप टाइम निकालेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक टंकी में छेद है जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको उस छेद के बारे में बताया गया, लीकेज जो है उसकी वजह से क्या होता है, वो टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो एक भरने वाले टैंक को जो टंकी में 4 लीटर, अब देखिए यहाँ पे भरने वाले टैंक के बारे में बताया गया, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, भरने वाले टैंक को जो टंकी में 4 लीटर पानी प्रति मिनट डालता है, तो ये क्या है, 4 लीटर पर मिनट ये पानी डालता है। तो मैंने माना कि इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो क्या बोल रहा है, खोल दिया जाता है तो छेद को टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। अब देखिए क्या कर रहा है कि अगर ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं तो कितना समय लगता है, 15 घंटे का समय लगता है उसको खाली करने में। ठीक है, तो खाली करने में इसको 15 घंटे का समय लगता है, यानी कि क्या है कि ये जो है अभी भी फास्ट है, ओवरऑल टंकी खाली हो रही है, ये भर नहीं पा रहा है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पहले तो एलसीएम ले लीजिए, 10 और 15 का ये आ जाएगा 30, यानी कि ये पर आवर कितना वर्क कर रहा है, 3 यूनिट्स, और ये कितना वर्क हो रहा है, यहाँ पे भी निगेटिव में है, तो ये कितना वर्क कर रहा है, 15 × 30 माइनस में 2, यहाँ पे माइनस में 3 है, यानी कि जो सेकेंड है, यानी कि जो भरने वाला नल है, भरने वाला जो टैंक है, ये कितना वर्क कर रहा होगा पर आवर, +1 यूनिट, तो +1 यूनिट वर्क कर रहा है, टोटल वर्क है 30, तो कितना टाइम लगेगा उसको भरने में, 30 मिनट्स का टाइम उसको लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर सॉरी, जो जितने भी हैं ये घंटे में है, ये सारे आपके देखिए टाइम जो है वो घंटे में है और यहाँ पर मिनट में है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये भी घंटे में आएगा, ये आएगा 30 आवर्स में, तो ये 30 आवर्स है, यहाँ पर मिनट्स में है, तो 30 को कन्वर्ट करने पड़ेगा आपको मिनट्स में, किससे करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटू 4 करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा कि इतने लीटर्स टंकी की कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 × 24 और 3 72, तो 7200 लीटर टंकी की कैपेसिटी है, 7200 लीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लड़का और लड़की साथ मिलकर किसी टंकी को पानी से भरते हैं, लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि वो 4 लीटर प्रति 3 मिनट में भरता है। ठीक है, और लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि वो 3 लीटर प्रति 4 मिनट में भरती है। ठीक है, तो पूछ रहा है कितने समय में 100 लीटर टंकी पानी से भर जाएगी। ठीक है, तो 100 लीटर की टंकी है, अब देखिए ये जो टाइम है यही आपको बराबर करना होता है, तो इसमें क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई और इसमें कर दें 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 12 मिनट में कितना भरता है,
तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 लीटर, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 9 लीटर। तो 12 मिनट में ओवरऑल देखिए कितना भरा है, 16 और 9 ये हो जाएगा 25 लीटर, और आपको कितना भरना है, 100 लीटर, तो कितने से मल्टीप्लाई करें, 4 से, तो 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 चौके 100 लीटर पानी को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, 12 चौक 48 मिनट। ठीक है, तो 48 मिनट में 100 लीटर पानी की टंकी भर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 पाइप ए बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ए बी और सी इन तीनों के बारे में बताया गया कि ये 6 घंटे में टंकी को भर सकते हैं एक साथ मिलकर काम करने के 2 घंटे बाद। ठीक है, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि 3 लोग हैं ए बी और सी, ए 2 घंटे बाद चला जाता है या फिर बी 2 घंटे बाद, इस तरह के क्वेश्चन बनते थे, सेम क्वेश्चन यहाँ पर नलों के साथ है। ठीक है, तो क्या करें, 2 घंटे बाद के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी इन्होंने कितने देर वर्क किया, 2 घंटे, इसके बाद सी को बंद कर दिया गया, तो अब वर्क कौन कर रहा है, ए और बी। ठीक है, ये कितनी देर वर्क करते हैं, तब ए और बी को 7 घंटे का अधिक समय लगता है, यानी कि 7 घंटे और लगते हैं और ये वर्क कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सी अकेला उस टंकी को कितने समय में भरेगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 है, इस साइड है 6, तो इसको एक साइड लाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 4। ठीक है, 6 में से 2 गया, 4 आ गया, इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू 7, ये आ गया। अब ए प्लस बी को एक साइड कर लीजिए तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर आप इसको इस साइड लिख लीजिए, ये आएगा ए प्लस बी, 3 बचेगा, और सी पे कितना बचेगा, यहाँ पर 4। ठीक है, तो ए प्लस बी और सी में आपने रेशियो निकाल लिया, देखिए ए प्लस बी की स्ट्रेंथ और सी की स्ट्रेंथ में रेशियो कितना आ गया है, ये आ गया आपका 4/3। ठीक है, तो ए प्लस बी जब 4 यूनिट वर्क करते हैं तो सी 3 यूनिट्स वर्क करता है, तो स्ट्रेंथ का रेशियो आ गया। अब देखिए जब भी आपको ये रेशियो मिले तो आप हमेशा समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको तीनों रेशियो भी, तीनों का सम रेशियो भी मिल गया, वो कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्ट्रेंथ का रेशियो कितना होगा, 7। ठीक है, कैसे, ए प्लस बी की 4 है, सी की 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में देखिए आपको गिवन है कि जब तीनों वर्क करते हैं तो उनको कितना, 6 घंटे का समय लगता है, ये क्वेश्चन में ही आपको गिवन है। तो सीधे से आप क्या करेंगे कि टोटल आपकी स्ट्रेंथ 7 के लिए कितना लगता है, 6 घंटे, तो आप क्या करेंगे, पूछा किसके लिए गया, सी के लिए गया, तो सी की स्ट्रेंथ कितनी है, 3 इंटू मैंने माना कितना समय लगेगा, टी 3 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा, 14 घंटे का समय सी को अकेले लगेगा इस कार्य को कंप्लीट करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक नल खाली टंकी को 12 घंटे में भरता है। ठीक है, एक नल है जो खाली टंकी को 12 घंटे लेता है भरने के लिए, तथा अन्य नल आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है तो पूरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर देगा, निगेटिव है, ये चीज याद रखिए। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी के आधे भाग को भरने में कितना समय लगेगा, पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 20, 40 और 60। ठीक है, तो 12 × 5 = 60 और 20 = 60, तो ये प्लस का 5 वर्क करता है, ये माइनस का 3 वर्क करता है, पूछ रहा है। तो यदि दोनों नल को खोल लिया जाता है तो खाली टंकी के आधे भाग को भरने में कितना समय लगेगा, टोटल भाग है 60 का, आधा भाग हो जाएगा 30 का, ये लोग पर घंटे कितना वर्क करते हैं, 2 यूनिट का वर्क करते हैं, तो पूछ रहा है कि 30 को भरने में कितना का समय लगेगा, तो 2 से आप कर दीजिए डिवाइड, ये कितना आ जाएगा, 15, तो 15 घंटे में ये दोनों मिलकर के इस टैंक को फिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 3 घंटे, 2 पाइप है उनके बारे में बताया जा रहा है कि 3 घंटे में एक तथा एक 5 घंटे में भर सकते हैं, तथा पाइप सी 2 घंटे में खाली कर सकता है। जो सी है वो क्या करता है, 2 घंटे में ही खाली कर सकता है, निगेटिव पाइप है। यदि तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है तब टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो देखिए यहाँ पे 5, 3 और 2 है, तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 5 × 15 = 30। तो पहला पाइप पर घंटे कितना वर्क करता है, 10, दूसरा पाइप प्रति घंटे कितना वर्क करता है, 6, तीसरा पाइप पर घंटे कितना वर्क करता है, 15। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, टंकी कितने देर में भर जाएगी, और जब आप यहाँ पर सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 यहाँ पर प्लस करता है, ये 6 प्लस करता है, ये कितना, 15 माइनस करता है, तो ओवरऑल कितना वर्क हो रहा है, 1। ठीक है, 1 यूनिट वर्क ओवरऑल हो रहा है, और टोटल वर्क कितना चाहिए आपको, 30, तो कितने घंटे लग जाएंगे, 30 घंटे लगेंगे तब ये टंकी भर पाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30 आवर्स इस टंकी को भरने में लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, थोड़ा यही नेगेटिव का आपको रोल पता होना चाहिए, दूसरा एक वॉल्यूम वाला क्वेश्चन बनता है जिसके लिए कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी इस पे सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे कुछ और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे गए उनको सॉल्व करेंगे, ये लास्ट लेक्चर भी होगा जो हम लोग कल पढ़ेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।